हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित और आपका स्वागत है अमित ए फॉर यू के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूं मधुबनी जिला, जो कि बिहार में है, और यहां पे एक रोशन भाई नाम के लड़के हैं जो कि रोशन चंदू के नाम से आईडी चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वायरल है। ये उन्हीं का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये उन्हीं का घर है और कॉमेडी वीडियो ज़्यादातर बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर है उनको। और आज उन्हीं के घर आए हैं तो कुछ बातचीत करेंगे। चाहूंगा कैमरामैन से लगातार आप मेरे पीछे आने की कोशिश करेंगे और आइए कुछ चंदू भाई से बातचीत करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रोशन चंदू भाई का घर इस प्रकार से है। चाहूंगा कैमरामैन से थोड़ा फोकस करके दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रोशन चंदू भाई यहाँ पे मोबाइल में थोड़ा बिजी है, तो अभी इनसे बातचीत करेंगे। आइए, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आइए देखिए, यहाँ पे रोशन चंदू भाई के पास हम पहुँच चुके। नमस्ते भैया आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके पास आए हैं हम सहरसा से मधुबनी और बहुत उम्मीद के साथ आए थे कि रोशन भाई मिलेंगे, तो मिलेंगे, आखिरकार मिल ही गया, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले आए हैं सहरसा जिला से जी, सबसे पहले थैंक यू। उसके बाद हम लोग भी शूट पे निकलने वाले थे जी, तो वहाँ पे रास्ते पे जाने ही वाले थे, तब आप आ गए जी, तो आपके बाद जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिल के हैं हमारे रोशन भाई और आए मिले और कुछ और भी बातचीत करेंगे जो कि आप वीडियो में आगे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रोशन भाई ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। आपका जो वीडियो वो वायरल हुआ था, कहाँ पे वो सीन है थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? जगह टूट गया, वो जगह जो है फाइनली टूट गया है और फाइनली इस प्रकार से बन गया है, रोशन भाई ने बनाया है, नया तैयार किए हैं। चलिए, बहुत अच्छा, अभी और भी रोशन भाई से बातचीत करेंगे, वीडियो में बने रहिए। नमस्ते आपका। तो सबसे पहले थैंक यू आने के लिए, इतने दूर से आए सहरसा जिला से, सहरसा जिला से मधुबनी जिला आए हैं, उस खुशी मिलती है हम लोग को। तो रोशन भाई, आप काफ़ी ज़्यादा वायरल है इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पे और काफ़ी ज़्यादा आपके प्रशंसा सुन रहे हैं, बहुत सारा हमको रिकमेंड आया कि रोशन भाई से मिलिए, तो इसीलिए हम आए हैं। तो मतलब कैसा फील हो रहा है जब आप इतना बड़ा लेवल पर आ चुके हैं? तो खुशी के साथ साथ पहले मोटिवेशन मिलती है जी। मेन बात यह है कि हम लोग एक गांव से हैं, तो गांव में होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है, ये अगर शहर से रहते तो पूरा ज़्यादा दिक्कत नहीं जी। रोशन भाई, आपका जो ये स्टार्टिंग है कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कैसे शुरू किए कि हमको मतलब इस लाइन में आए हैं, इंस्टाग्राम वीडियो बनाना है कॉमेडी टाइप से और काफ़ी ज़्यादा वायरल होना है, मतलब कहाँ से ये प्रेरणा आया और कैसे शुरू किया आप? ये प्रेरणा तो है, पहले हम टिकटॉक से ही हैं, तो टिकटॉक पे एग्जाम था हमारा नज़दीक, तो टिकटॉक पे भी 18 दिन में 77,000 फॉलोवर हो गया था, मतलब धुआंधार की तरह एकदम, तो वायरल वहाँ पे भी, वायरल होते ही, ग्रो होते ही आईडी क्या कहते हैं टिकटॉक ही बैन हो गया, तो बैन होने के बाद हम छोड़ दिए थे, फिलहाल में अभी ओपन किए हैं। जैसे कि अभी आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ज़्यादातर मेहनत कर रहे हैं? हाँ, यूट्यूब पे कर रहे हैं अभी, करने पूरा, और मेन बात यह है हम लोग को थोड़ा लेट हो जाती है वीडियो लाने में, क्योंकि उसके लिए स्क्रिप्ट भी चाहिए। हम लोग का थोड़ा जो होता है ना क्या कहते हैं, पूरा फोकस रहता है कि वीडियो प्रोफेशनल बने, भले ही अगर लोकेशन भले ही अच्छा ना रहे, टाइम लगे लोकेशन भले ही अच्छा ना रहे, लेकिन डायलॉग में, आवाज़ में पावर होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, हाँ आवाज़ में, ये नहीं कि मजबा कि हाँ ये वो ऐसे नहीं, मतलब आवाज़ में पावर होना चाहिए। उसके बाद जो क्या कहते हैं, हम लोग का मोशन में वीडियो रहता है, चाहे एक्शन टाइप का नहीं होता है जी। ये नहीं कि मसुआ मसुआ के बोलते हैं कि उला उला ऐसे नहीं, मतलब एकदम आवाज़ में थोड़ा रहता है, तो बोलने में जो होता है ना थोड़ा आवाज़ में ज़्यादा लगता है। तो रोशन भाई, आपके साथ एक छोटी बच्ची लड़की रहती है, कौन है वो? स्कूल आपकी सिस्टर है? हाँ, सिस्टर है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल करने में मदद करते हैं। हाँ, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है ये वाला, जिसमें कि वो बर्तन मांजने जा रही है और आप उसके गेट पर वीडियो बना रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा व्यू हुआ ना? व्यू तो कम है जी, व्यू कम है, लेकिन ये वीडियो व्हाट्सएप पे ज़्यादा शेयर हुआ है, इंस्टाग्राम पे करीब 5 लाख व्यूज है, मिलियन में व्यूज नहीं, लेकिन इसी वीडियो से हम भी आपको पहचाने, बहुत अच्छा। ये आप शायद इंस्टाग्राम पर ना देखे होंगे, लेकिन आप चाहे तो स्टोरी पे देखेंगे, व्हाट्सएप स्टोरी या तो फेसबुक, इसी सब पे देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है रोशन भाई कि आपका यह वीडियो कॉमेडी टाइप से है, लेकिन हमारा भाषा जो मैथिली में है, इसमें जो है इसके लेकर हमको बहुत गर्व होता है, और जब देखे आपका वीडियो तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, और देखे कि हमारे ही भाषा में बना रहे हैं, कौन है मतलब आपके बारे में बहुत सारा सर्च किए, तो बहुत सारा हमको वीडियो मिला, तो पता चला कि रोशन भाई है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस फॉलोवर को जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? एक ही बात है, मतलब
पहले मतलब हम क्या कहते पब्लिक सब है, पहले ऑडियंस है उसके बाद ही हम लोग हैं। तो हम लोग का कोशिश है कि अलग थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, बस ऐसे मतलब क्या कहते प्यार सब। जैसे कि अभी आपका ज्यादातर कॉमेडी वीडियो आता है, आगे क्या सोच है आपको इसको लेकर, आगे क्या करना चाहते हैं धमाल आप? कॉमेडी वीडियो से ये होता है कि कोई भी देख लेते हैं, अब ये देख लीजिए डॉक्टर लोग हैं अपने हमारे हॉस्पिटल का जी, तो वो टीचर हैं वो सब भी देखते हैं हमारा हम लोग का वीडियो जी, तो यही है मतलब कॉमेडी वीडियो सब देख लेते हैं ना, सबको पसंद, यानी कॉमेडी वीडियो सबको पसंद होता है मनोरंजन करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, इसीलिए आपका ज़्यादातर फोकस कॉमेडी वीडियो पर। चाहूँगा कि एक डायलॉग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हो जाए तो रोशन भाई बहुत अच्छा रहेगा। तो हो आराम से, वो देखिए डायलॉग तो बहुत है, देखिए दो चार BMW कार तो मैं भी खरीद सकता हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो देख सकते हैं इसी तरह से जो है भाई डायलॉग बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। और अभी आपके चैनल पर कितने ज़्यादा फॉलोवर हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं? अभी 5 लाख के करीब हैं, 5 लाख के करीब हैं। अभी फ़िलहाल में शायद शादी वादी बहुत है रिश्तेदार में, तो वहाँ भी चले जाते हैं, तो इसलिए। और मेन बात है स्क्रिप्ट हम लोग का जो होता है ना सोचने में टाइम लग जाता है, इसके चलते थोड़ा लेट। तो रोशन भाई और आप क्या करते हैं इस कॉमेडी वीडियो के अलावा, आप क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई या और भी कोई काम वगैरह? पढ़ाई तो चल रहा है, BSc सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड का सिस्टम एकदम गड़बड़ाल है, तो रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। यानी कि BSc पार्ट टू का रिजल्ट अभी नहीं आया? हाँ रिजल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम दे चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा रोशन भाई, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप यूं ही मेहनत करते रहिए और हमारा बिहार का नाम रोशन करिए और ऐसे मुकाम पे आ जाइए कि आपको एक दिन इतना बड़ा सेलिब्रिटी के रूप में लोग देखें कि सोचना क्या बोलना बहुत बड़ी बात होगी। तो रोशन भाई आप कुछ हमारे YouTube चैनल अमित फॉर यू के बारे में जाते जाते बोल दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। देख भैया के चैनल का नाम है YouTube पे Amit A4U ना, अमित ए फॉर यू करके है। अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे चाहे अमित फेंक के मारिए या A4 फेंक के यार, लेकिन मारिए। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देख सकते हैं रोशन भाई भी हमारे चैनल को बहुत अच्छा मेहनत से सपोर्ट किए हैं, तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए कैमरामैन सहयोगी नीरज निराला जी के साथ नमस्कार।